हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ईच टर्म इक्वल्स द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स, देन द कॉमन रेशियो ऑफ इट्स प्रोग्रेशन इज इक्वल्स। यहाँ पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे। अगर किसी जीपी सीरीज का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो वो सीरीज क्या होगी? ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब, और इस तरह से सीरीज चलती रहेगी। तो आइए इस बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, उसमें सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स हैं, इसका मतलब जो कॉमन रेशियो होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव। ईच टर्म्स इक्वल्स द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म। अब अगर ईच टर्म अगले दो टर्म के सम के बराबर है, तो अगर स्टार्टिंग से ही देखें तो जो फर्स्ट टर्म होगा ए, वो किसके बराबर हो जाएगा? नेक्स्ट टू टर्म के सम के इक्वल। अब यहां पर देखिए, ए कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर ले, देन वी गेट वन इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करके हम आर के बारे में बता सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आर की वैल्यू को हम धराचार मेथड से सॉल्व करेंगे। आर इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी। अब यहां पर कंपेयर करें, अगर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसके लिए एक्स इक्वल टू कितना होता है? धराचार से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो इसी तरह यहां पर r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस बी। बी की वैल्यू कितनी है? 1। तो माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 ए सी, तो 4 बन जा 4 और माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 प्लस का बन जाएगा अपॉन 2 ए, तो ये 2 आ गया। तो r इक्वल टू आ रहा है माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन 2। अब क्वेश्चन में देखिए, दे रखा था कि ये पॉजिटिव है, तो अगर r की वैल्यू पॉजिटिव है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट 5 जब प्लस में लेंगे माइनस वन अपॉन टू, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।